वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज सुबह सुबह हो रही है तैयारी कहीं जाने की, जैसे टाइटल देख के तो पता ही चल गया होगा। तो अभी नाना और मामा जी तैयार हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। नाना जा रहे हैं अपनी दवा लेने, क्योंकि उनकी दवा ख़त्म हो गई है, तो वो मामा के साथ ही निकल जाएंगे। और मामा जी जा रहे हैं मौसी के घर, क्योंकि उनको मामी को लेके आना है 2-3 दिन बाद। हाँ रास्ता में खा लेना थोड़ा सा, कितना सारा कुछ खाएगा रखा रहेगा, टाइट टाइट खराब हो रहा है। ठंडा हुई? अरे तो अभी ठंडा है, फिर नहीं रहेगा ना, दोपहर तक खा लेना ट्रेन में, ठीक है। थोड़ा पपीता करे दे रही हूँ, एक सेब करे दे रही हूँ, वो काट के और थोड़ा सा नमक डाल के बंद कर दे रही हूँ। खा लेना, मामा को भी दे देना, खत्म हो जाएगा। खाना ले नहीं जा रहे हो, खाना भी बन गया था। हटो, बैग में डाल दो। नीचे डालो, ऊपर डाल देंगे। गिलास के ऊपर ही बैठ गई होती, लग गया मेरे। नहीं लो ये सेब खा लो, पता है नहीं सुबह से जल्दी जल्दी मचाती हो, सबसे लेट मैं उठती हूँ है, और मेरे ही काम सबसे जल्दी हो जाते हैं, टाइम को हो जाते हैं। और जो नाना मामू 5 बजे के उठे हैं सुबह, जैसे कि जाना है जाना है, तब भी जाने की टाइम लेट हो जाते हैं ये लोग, पता नहीं है। हमारे नाना तो ऊपर नीचे की बाथरूम में ही घूमते रहते हैं सुबह 5 बजे। नहीं तो भक्ति रखते जाना पड़ता था, फिर भी नाना की, और फिर भी मामा को कुछ कागज नहीं मिल रहा था, तो ढूंढते रहे, नाना आगे निकल गए ना। नहीं खा लो, 2-3 दिन के अंदर अंदर मामी से बंसी सब लोग आ जाएंगे, डन्ना मुन्ना सब भाई, सब घर खाली खाली भर जाएगा। निकल गए, उसके बाद ये कपड़े भी मैंने बेडशीट वगैरह धुल डाली, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने धुली नहीं थी, गंदी से हो रही थी। नानी कई बार बोल चुकी है लेकिन मेरे दिमाग में रहता नहीं था, फिर मैंने कहा कि चलो आप धुली डालते हो, वैसे मामी रहती थी तो वो धुलती रहती थी, तो इतना नहीं ध्यान देना पड़ता था। तो बस मैंने अभी इनको धुल के डाला है। धूप तो ऐसी इतनी तेज निकल रही है ना कि कुछ मत पूछो, धूप का तो अब रिकॉर्ड ही टूट गया है सारा। अब अभी ना मैं इस पेठे के फल का कुछ बनाने जा रही हूँ। ये ना जब नानी ने बरी लगाई हुई थी ना, तब से ये रखा ही है, क्योंकि पूरा उसमें यूज नहीं हुआ था और आधा नानी ने फ्रिज में रख दिया था, बोली थी कुछ बना लेना, इस बार आया है तो नानी कह रही थी या तो इसको देख लो, कुछ बनाना है तो बना डालो, नहीं तो इसे काट के बाहर गाय को खिला दो। तो मैंने कहा इतने दिन से बनाने के लिए रखा है, तो कुछ पहले ट्राई कर लेती हूँ, देख लेती हूँ बना के बनता है कि नहीं बनता है, और फिर मैं गाय को तो डालना ही है। और कोई सब्जी और कोई फल होता है ना तो जाने कहाँ जाता खराब होके, लेकिन ये फल जल्दी खराब नहीं होते ना नानी, इसलिए ये अभी तक रखा रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी काट के देखते हो, अगर खराब होगा ना तो फिर गाय को डाल दूंगी, अगर नहीं खराब होगा ना तो मैं इसका कुछ बनाने जा रही हूँ। कुछ क्या इसका कौन सा, बहुत सारी चीजें बनती है, बस एक ही चीज बनती है पेठा, फूड कलर डाल दो तो कलर कलर वाले बन जाते हैं। बनाया तो कभी है नहीं है, फिर भी बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ, क्योंकि कुकिंग का भूत चढ़ गया है। और अदर स्टूडेंट को ना एग्जाम होने के बाद उन्हें घूमने का शौक चढ़ जाता है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और मुझे ना एग्जाम के बाद कुकिंग का शौक चढ़ गया, मैं कुछ जाता ही अच्छी अच्छी चीजें बनाने की कोशिश करती हूँ। ये बताओ पहले उसे काट के छीलना है, जैसे पेठा के पीस बनाने तो क्या क्या किया जाता है पहले बताओ। छीलना
नानी चूना पूना में नहीं डालेंगे, फिर तो बड़ा इतना सारा पानी डालेंगे, एक बार धो लो फिर दो बार धो लो फिर चूने में डालो फिर चीनी में डालो फिर चीनी से निकाल के चीनी में डालो फिर चीनी से निकाल के चीनी में डालो। अब ये काम आ रहा है फिटकरी, अगर ना डालो तो कोई दिक्कत है ना। अच्छा तो धुल दो चूना। और अभी मैंने इस पेठे को काटा है तो काटने में ना सही है, वो ऊपर से जहाँ से कटा रहा है ना वहाँ से ऐसे सूख सा गया था, बाकी अंदर काट के देखा तो सही है और स्मेल भी नहीं आ रही थी। नानी बोली ये फल इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो बस फिर डिसाइड हो गया कि अब इसका कुछ ना कुछ बनाना ही है, तो बस मैं यहाँ पर काट रही हूँ और वो पेठे बनाने की कोशिश करूँगी। मैं पहली बार बनानी हूँ तो थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ कैसा बनता है। पेठे काटते काटते ना एकदम से बाजे की आवाज़ आई, गेट खोल के देखा तो किसी की बारात आ रही थी, मतलब कि ये दूसरे मोहल्ले की बारात है, हमारे मोहल्ले में कोई उनके पहचान का रहता होगा तो वो बारात में जाने से पहले दूल्हा टीका कराने नहीं आता है ना, तो बस वही चल रहा है यहाँ पर। और बारात देखने के बाद वापस से आ चुकी हूँ अपने पुणे लगने, और मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से छील डाला। छीलने के बाद ये छोटी छोटी पीसों में काट लिया, जैसे पेठे के सेब में पीस होती है ना बिल्कुल वैसे ही काट लिया है, और फिर फोक से इतना अच्छे से इसको मतलब कि कर दिया, छलनी सा बना दिया इसका, मर्डर कर दिया गोच गोच के। वो कौन सा डायलॉग है, कोई डायलॉग है ना पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, आधी बात आती है वही बोल दी। तो यहाँ पर मतलब कि अच्छे से पूरे में छेद छेद करने होते हैं एकदम से, मतलब कि जो ये पीस है ना एकदम से सॉफ्ट हो जाए, आप हाथ से प्रेस करो ना तो इसके अंदर से बॉटर निकल गया एकदम स्पंजी हो जाए, और मुझे अकेले करने में टाइम लगता है। तो नानी अच्छी खासी लेटी थी, मैंने उनको उठा दिया, मैंने कहा नानी बैठे बैठे आप भी कराओ, मैं कहाँ तक करूँगी पूरी रात हो जाएगी, छोटे छोटे पीस हैं, फिर नानी भी साथ में करा। बस नानी ने करा दिए तो ये जल्दी से हो गए, और इसको फिर मैंने अच्छे से दो तीन बार पानी से धुला, और आप डालने जा रही हो कढ़ाई में चूना ऊना के पानी में नहीं डाला मैंने, बस कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और इसको उबाल लेना है, मतलब कि थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाए। अब ये मैंने ना पेठे की सारी पीस काटी, और काटने के बाद उनको इतना उसमें छेद किए कि वो स्पॉन्जी सा हो गया, और उसके बाद ना चूने के पानी में डाला ना फिटकरी के पानी में डाला। नानी तो मैं जाने क्या बता रही थी पुराने स्टाइल का बनाना, मैंने तो सीधे उसको धुल के और पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया। जब बॉईल हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब कि पूरा आलू की तरीके बॉईल नहीं करना, थोड़ा हल्का सा हाथ से ऐसे प्रेस करने में दबने लगे तो बस उसको निकाल दूंगी और फिर चीनी में पकाऊंगी। और इस समय पर इतनी शादियाँ हो रही है, मतलब कि 4-5 दिन लगातार शादी का माहौल रहता था, बाजी की आवाज आ ही रही है सब जगह शादी है, कहीं से बारात निकलती है नानी, कहीं से डोली निकलती है, इतनी सारी शादियाँ हो रही। अगली बार से कुछ ऐसी चीज बनाऊंगी तो नानी को किचन के पास ही बैठा दूंगी, कुर्सी डाल के बार बार पूछने जाओ कोई चीनी कहीं कुछ कांगी कढ़ाई। और ये पीस अच्छे से बॉईल हो गए थे तो मैंने इनको निकाल के रख दिया था ठंडे पानी में डाल के, और जब ये अच्छे से ठंडे हो गए ना तो इनको ऐसे दबा के इनके अंदर का सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा तो रहता है लेकिन हाँ जितना निकल सके उतना निकाल दो।
और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है और अब कढ़ाई को रख दिया है गैस में, और मतलब कि अभी मैं ज़्यादा चलाऊंगी नहीं क्योंकि पीस फिर कट जाएंगी करछी से, इसलिए थोड़ा सा मैंने चलाया और बस हल्की स्लो गैस करके इसी को रख दिया। और यहाँ पर चीनी एकदम से मेल्ट हो चुकी थी अच्छे से, ये अब काफ़ी पक रहा है। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है लड्डू वाला, और ये मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने क्यों डाल दिया, क्योंकि वाइट पेठा ही अच्छा लग रहा था, फूड कलर के बाद अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब तो डाल दिया। मैंने यूट्यूब पर देखा था, वो अंगूरी पेठा बना रहे थे, उन्होंने डाला था थोड़ा सा फूड कलर, तो बहुत प्यारा दिख रहा था, लेकिन ये उतना अच्छा दिखा नहीं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, येलो पेठा ही सही है। और चीनी मेल्ट होने के बाद ना मैंने इसको इतना पकाया है ताकि चीनी इसमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। ये देखिए कितना, जब चीनी मेल्ट हुई थी ना तो बहुत ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा बटर है, लेकिन वो पकते पकते ना सब सही हो गया और ये चीनी सूख सी गई है, मतलब कि इसमें सूखने का मतलब गाढ़ी होके जैसे पेठे में लग गई है। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा शुगर पाउडर बनाया था, उसमें इनको लपेट कर रख रही हूँ, तो क्योंकि थोड़ा सा ऐसे वाइट आ जाएगा ना ऊपर से तो अच्छा लगेगा। और ये बन के तैयार हो गया मेरा एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा पेठा। ये लीजिए, सबसे पहले आप लोग टेस्ट कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बना है, जैसे मार्केट में मिलता है ना वो छोटा छोटा वाला, बिल्कुल वैसे ही बना है। बस क्या है कि थोड़ा सा पीस छोटे हो गए हैं, और अभी मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा खाने में अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर ये सोफे के कवर सूख गए थे ना, तो ये डाल दिए। हमारे मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज़ तो कॉमन है, सोफे के चार चार जोड़ी कवर रखे हैं, लेकिन निकाला एक ही है, जब वो कोई आ जाएगा तभी बिछाए जाएंगे, बाकी ना हर टाइम यही कवर बिछे रहते हैं। मैं नानी से कहती भी चेंज कर दो, नानी कहती है क्या करना है, गंदे होते हैं डेली में, यही लगे रहने दो। ये बन के तैयार हो गया मेरा पेठा, और जैसा मुझे बनाना था ना वैसे ही बना है, बस थोड़ा सा क्या है कि कलर डाल दिया, मुझे साथ में थोड़ा सा लगा कि कलर से अच्छा तो वाइट ही अच्छा लग रहा था, लेकिन बना वैसे ही है जैसा मुझे बनाना था, और थोड़े से पीस ज़्यादा छोटे हो गए। देखो नानी, आपकी रेसिपी में चार चांद लगा है ना, पीस छोटे कर दिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो कैंडी हो ना, देखो उठा के देखो, चॉकलेट आई मैंने भी डाल दिया, लेकिन अब थोड़ा सा, लेकिन सही है ना, और खा के देखो, छोटे छोटे पीस है। वैसे किसी को दो रानी आने जाने वालों को, लोगों को तो अच्छा लगेगा ना प्लेट में। हाँ तो अच्छा, तो बेस्ट नानी के लिए बेस्ट है, तो बेस्ट है, ठीक है, अच्छा लगा। फ्रिज में रख दूँ ना, उसी के साथ करूंगी अपना ये वाला वीडियो एंड। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, आप लोगों को पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय।